हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित गुप्ता जी, जो कि प्रेजेंट हैं, कॉन्फ्रेंस आई हुई है आज ऑर्गेन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन रियलिटी विज लीगलिटी। आइए बात करते हैं सर, थोड़ा अपने बारे में बताएं और जो इवेंट हुई उसके बारे में बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर समीर गुप्ता है, मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं को चेयर हूँ हेल्थ केयर कमेटी का PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स में। आज हमने एक मीटिंग करी थी जिसका नाम था ऑर्गन डोनेशन रियलिटी वर्सेज लीगैलिटी। स्पेशल इस कॉन्फ्रेंस में हमने काफ़ी लोगों को बुलाया था जो कि डॉक्टर्स थे, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन थे और काफ़ी जो संस्थाएं हैं, जो NGOs हैं, उनसे लोग आए थे और आम आदमी के लिए भी ये खुला हुआ था। इधर हमने बात करी जो ऑर्गन डोनेशन होती है इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि अगर आप ऑर्गन डोनेशन की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइव ऑर्गन डोनर, यानी कि अगर एक जिंदा आदमी दूसरे जिंदा आदमी को एक अपना अंग का हिस्सा दे रहा है, जैसे कि लिवर का आपने दे दिया डोनेशन, आपने सुना होगा, आपने किडनी का सुना होगा, तो ये लाइफ टू लाइफ ट्रांसप्लांटेशन होती है। दूसरी चीज़ होती है कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन। कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि कोई ब्रेन डेड आदमी एक लिविंग आदमी जिसको किसी अंग की ज़रूरत है, किसी ऑर्गन की ज़रूरत है, उसको वो डोनेट कर रहा है, तो इसको कहते हैं कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन। एक हो गया लिविंग ट्रांसप्लांटेशन, लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन, और एक हो गया कैडावरिक डोनर ट्रांसप्लांटेशन। तो आज हमने इसके बारे में बातें करी कि ये जो है इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चैलेंजेस आती हैं, चाहे वो एक डोनर की अवेयरनेस के बारे में हो, हॉस्पिटल की प्रिपेयर्डनेस के बारे में हो कि क्या हॉस्पिटल जहाँ पर मृत्यु हुई है क्या वो प्रिपेयर्ड है, जो हॉस्पिटल जिसको जो पेशेंट जिसको ज़रूरत है क्या वो प्रिपेयर्ड है, और हम कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और हम कैसे इन प्रॉब्लम्स से सुलझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं कि आज की तारीख में कि आने वाले कल में अगर किसी मरीज़ को किसी ऑर्गन की ज़रूरत हो तो वो उसको मिल जाए, क्योंकि इनफ ऑर्गन्स हैं हमारी इंडिया में, लेकिन पेशेंट बहुत सारे हैं लेकिन ऑर्गन्स कम हैं, लेकिन जो ये गैप है इस गैप को हमें कम करना चाहिए। सर, आज एक मिथ है कि जो हमारे जिसके पीछे रिलीजन जुड़ा हुआ है उसको थोड़ा मिथ को तोड़ें, कैसे तोड़ा जाए ताकि लोग अधिक से अधिक डोनर सामने आगे आएँ। जी देखिए, जो रिलीजन का बात आपने जो रिलीजन की बात बोली ये एक बहुत ही अहम बात बोली आपने, क्योंकि देखिए मजहब जो है, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, कोई भी जो धर्म होता है, जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो होता है इंसानियत का। जब आप ये काम करते हैं आप इंसानियत के लिए करते हैं, आप अपने धर्म के लिए नहीं करते, और हर धर्म में यही लिखा गया है सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है, तो इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है। तो आप ये अगर करते हैं तो इंसानियत के बारे में सोचिए, फिर धर्म के बारे में सोचिए। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।